हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद इतिमन में। जितने भी बड़े स्कूलों की एडवर्टीजमेंट आती है, जो कि आप लोगों को पता नहीं चलती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है जहां पर, और आप लोग अप्लाई भी करना चाहते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जो कि बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत बड़ा नाम भी है इसका। टीचर रिक्रूटमेंट आई है, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की आई है यहाँ पर, टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा अकाउंटेंट की और भी कई वैकेंसी हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट में हम सारी चीजें देखने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से जो है वो वीडियो को समझें। अप्लाई कैसे करना है वो हर एक पॉइंट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर, ना ही कोई फीस आपकी लगने वाली है। यहाँ पर डिमांड है केवल आपके सब्जेक्ट पर आपकी कमांड। आपकी कमांड बहुत अच्छी होती है, आपकी हर साल जो है वो सैलरी बढ़ा भी दी जाती है। मिनिमम सैलरी 25,000 से 50,000 तक यहाँ रहने वाली है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी कैंडिडेट के लिए किसी भी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी जो है मेन वेबसाइट है जीडी गोयनका स्कूल की। तो यहाँ आपको अंदर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, ऊपर आप लोगों को बिल्डिंग दिखाई दे रही है स्कूल की। ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में कटिंग आ चुकी है, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल। यहाँ पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, प्राइमरी टीचर सभी सब्जेक्ट की, नर्सरी टीचर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव और अकाउंटेंट। यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपकी क्वालिफिकेशन और आपके पढ़ाने के तरीके या फिर आपने एक्सपीरियंस भी लिया है तो उस पर भी निर्भर करेगी। तो ये इसका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, ये देखिए आप क्या भरेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि इसमें क्या भरना है। यहाँ जो जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। इंपॉर्टेंट, प्लीज आंसर ऑल क्वेश्चन एंड प्रिंट द इन्फॉर्मेशन क्लियरली इन बोल्ड यूजिंग ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। इसको आप जो है डाउनलोड करने के बाद इसको भरेंगे नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है, इंक पेन से नहीं भरना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी पीआरटी जो आप यहां लिखेंगे, कब कर रहे हैं तो डेट यहां लिखेंगे। यहां पर फोटो जो है वो बिल्कुल हाल ही का फोटो यहां पर चिपकाना है आपको, यहां स्टेपल नहीं करना है, आपको क्या करना है चिपकाना है। यहां लिखा है नोट में, कॉपीज ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट टेस्ट मेमोरियल शुड नॉट बी सेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भेज रहे हैं बाय पोस्ट, तो आप अपने जितने भी डिग्री सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो साथ में ना भेजें, केवल बायोडाटा यानी एप्लीकेशन फॉर्म ही भेजना है। एप्लीकेंट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल हैव टू बियर देयर ऑन ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस अनलेस अदरवाइज एग्री इन एडवांस, ठीक है। यहां पर ये कहा गया है कि अगर जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जो ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो आपको यहां पर नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सोच के नहीं जाना है ये कि हमें जो है वो पूरा खर्चा जो है वो हमारे आने का ही उठाएंगे। एप्लीकेशन शुड बी डिलीवर्ड पर्सनली एट द स्कूल ऑफिस और सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर। तो एप्लीकेशन जो है फॉर्म उसके साथ इन्होंने बता दिया है, कोई भी कॉपी नहीं भेजें डिग्री सर्टिफिकेट की, अन्यथा खो जाएगी। यहां पर आप लोगों को केवल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लिख कर या फिर आपको भेजना है या खुद पहुंच जाना है या कोरियर करवाना है, ठीक है। पर्सनल डाटा ऑफ कैंडिडेट क्या लिखेंगे, यहाँ अपना जो है वो सरनेम लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट नेम आपका नाम क्या है उस, जैसे कि मेरा नाम अनु जादौन है तो यहाँ फर्स्ट नेम में अनु लिखूंगी, मिडिल नेम में जादौन लिख दूंगी, डेट ऑफ और सरनेम में भी मैं अपना जादौन लिख दूंगी। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखोगे, कौन सा साल है वो यहाँ लिखना है, मंथ यहाँ लिखना है, डेज यहाँ लिखना है, बिल्कुल सही भरना है तभी आपका जो है वो फॉर्म जा पाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहाँ जन्म हुआ है वो यहाँ लिखना है। यहाँ पर जो है वो आप मेल हैं फीमेल हैं वो आपको टिक करना है। यहाँ पर इंडियन लिखना है आपको नेशनलिटी में। मैरिजल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, सेपरेट हैं, तो वो आपको टिक करना है, टिक ही करना है आपको। एड्रेस आप अपना लिख देंगे, बिल्कुल सिटी लिख देंगे, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, पिन कोड लिख देंगे और कंट्री इंडिया लिख देंगे। होम टेलीफोन यहाँ पर जो है वो आप टेलीफोन या मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, वही मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे और ईमेल एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आप जो है वो मेल करते हैं तो आप ईमेल एड्रेस जरूर लिखें, तभी आपको मेल आएगा। फादर हस्बैंड नेम यहाँ लिखें आप, उसके बाद उनका क्या व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन, वो आपको लिखना है। एड्रेस जो है वो आप लिखें दोबारा से, फिर सिटी लिखें, पिन कोड लिखें और कंट्री लिखें। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं एज उनकी लिख सकते हैं, मेल या फीमेल है ये लिख सकते हैं। उसके बाद कौन से स्कूल में कहाँ पढ़ रहे हैं वो आप यहाँ लिखें। मेजर इलनेस अगर कोई आपको बहुत बड़ी जो है वो बीमारी है तो आप यहाँ पर लिखें, फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ लिखें। पर्सनल हैबिट, डू यू स्मोक, अगर आप स्मोक करते हैं तो येस या नो जो भी है, डू यू ड्रिंक येस या नो, तो अपना बिल्कुल सच यहाँ पर लिखना है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड टू एनी क्रिमिनल ऑफेंस, अगर आपको जो है वो पहले आपने कोई भी गलत कार्य किया है या फिर आपका जो है कुछ भी हुआ है यहाँ पर, तो उसकी डिटेल लिखें यहाँ पर, तो आपको ब्लैंक छोड़ना है, आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है यहाँ। प्रेजेंट पे लास्ट सैलरी रन, अगर कोई पहले पब्लिक स्कूल में पढ़ा चुका है तो उसकी जो है बेसिक पे स्केल अलाउंस टोटल यहाँ लिख दें। अगर आपने पहले नहीं किया है कहीं भी काम और फ्रेशर हैं तो आप इस पूरी लाइन को खाली छोड़ दें।
उसके बाद अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरनी है आपकी, हो यहाँ पर जो है 12th की मांगी है, उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मांगी है, एजुकेशन एजुकेशनल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट क्या किया है आपने, बीएड किया है, एनटीटी किया है, बीटीसी किया है, क्या किया है आपने, तो यहाँ ऐसा नहीं सोचना है कि आपने एसटीसी किया है तो नहीं पूछा है, या एनटीटी मतलब प्राइमरी टीचर के लिए एटसेट्रा, यानी एनटीटी किया है आपने, बीटीसी किया है, डीलेड किया है, जो भी किया है आप यहाँ भरेंगे, उसके बाद बीएड वाले भी अपना भरेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो इस पूरे कॉलम को भरेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस अगर आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है तो आप जो है वो अपना ये भर सकते हैं, और फ्रेशर जो है वो इनको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ें। लिस्ट गेम यू प्ले, कौन सा गेम आप खेलते हैं, बिल्कुल भरें, कोई ना कोई गेम तो आपको पसंद होगा। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि भरना अच्छा रहता है। स्पेशल डिस्टिंक्स अचीव्ड, अगर आपको कुछ और भी चीजें जो है वो अचीव आपने की हैं, जैसे स्पोर्ट्स में किया है या संगीत में आपने कुछ किया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अगर आपको कोई कल्चरल एक्टिविटी जो है वो पसंद है तो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आप, आपने कहीं भी जो है गेम वगैरह अगर किसी में पार्टिसिपेट किया है तो उसे टीम क्लब या सोसाइटी का जो है वो नाम, स्कूल कॉलेज का नाम वो यहाँ पर लिख दें। एनी अदर स्पेशल, अगर कुछ और भी आपका है जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री, ठीक है, और भी कुछ अगर अचीवमेंट किया है आपने या फिर एनसीसी में आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह लिया है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। रेफरेंस में यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, रेफरेंस नॉट रिलेटेड टू यू, यानी आपसे संबंधित ना हो उस व्यक्ति का यहाँ रेफरेंस लिखें, और वो जो है आपकी गुड क्वालिफिकेशन के लिए, आपके नेचर के लिए जो है वो आपको अच्छा ही कहता हो तो उसका आपको डिटेल यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हाउ मच नोटिस रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग यहाँ लिखें, मिनिमम सैलरी जो है वो आप कितनी लेना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखें। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट इन एनी जीडी गोयनका स्कूल अर्लियर, अगर आपने जो है वो पहले भी जीडी गोयनका स्कूल में जो है वो पढ़ाया है कहीं भी, क्योंकि ये बड़ा स्कूल है तो हर स्टेट में होता है, और पढ़ाया है तो आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है, और कब पढ़ाया है वो भी आप यहाँ लिख दें, और नहीं पढ़ाया है तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप डेट लिख दें, प्लेस लिख दें और अपने साइन कर दें, और ये फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पर जो है वो ऑफिस के यूज के लिए है, आपके काम का नहीं है। समय जो है इन्होंने शेड्यूल जो है वो दिया है कि मंगलवार जुलाई 25 को आप लोगों को पहुंच जाना है 3 बजे से 5:30 बजे तक। साथ में जो है वो सभी कैंडिडेट को अपना बायोडाटा, रिसेंट यानी हाल ही की जो फोटोग्राफ है वह लेकर जानी है। कैंडिडेट वो हैव अप्लाइड अर्लियर नीड नॉट अप्लाई, जिन्होंने 1-2 दिन पहले अप्लाई कर दिया है दोबारा अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको कॉल आएगा तो उनको बता दिया जाएगा, फोन आएगा या ईमेल आ जाएगा। पे स्केल जो है वो आपकी कैसे रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन यानी पीजीटी और टीजीटी ये जितने भी पोस्ट अलग अलग हैं तो उसी के अकॉर्डिंग होगी। यदि किसी का एक्सपीरियंस है पहले से ही पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का तो उसके अकॉर्डिंग होगी। फ्रेशर यहाँ एलिजिबल है, जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहली बार जो है यहाँ जाएंगे तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। दोज वू कैन नॉट अटेंड वॉक इन, अगर कोई यहाँ पर वॉक इन के लिए नहीं जा पा रहा है तो सेंड देयर कंप्लीट रिज्यूम, यानी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह यहाँ पर जो है वो मेल कर दे साइट पर। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस स्कूल के लिए जरूर अप्लाई करें, सैलरी जो है वो काफी अच्छी है, ऐसे स्कूलों का जो है वो एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहता है, अर्निंग भी काफी अच्छी रहती है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं और सैलरी जो है उनको चाहिए और कमाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का जो बर्डन है वो कम करना चाहते हैं और अपने सब्जेक्ट पर भी कमांड है, तो बिल्कुल वेस्ट ना करें अपनी पढ़ाई को और यहाँ पर जो है बिल्कुल आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को सारी चीज़ें जो है बताई हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।